देखो एक बार लाइव स्ट्रीम शुरू हुई क्या? एक बार देखो लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई क्या? मुझे ना कमेंट करके बता दो। आई थिंक शुरू हो गई है अभी जो स्क्रीन दिख रही है। उर्वशी है? हाँ उर्वशी, लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई है। सभी को सब नज़र आ रहा है? इसको कर देते हैं अपन पूरा जो पूरा। अभी देखो स्क्रीन आ रही है क्या मेरी? एक मिनट, देखना पड़ेगा मुझे भी है ना यूट्यूब पे क्या है। मैं भी एक बार यूट्यूब पे खोल लेता हूँ साइड में। डायरेक्शनल कपलर दिख रहा है सभी को? चलो ठीक है, देखो अब बात करते हैं अपन। डायरेक्शनल कपलर अपने को दिखाई दे रहा है तो मैंने अभी वो कर लिया है पूरी स्क्रीन को, है ना? कौन कौन आ गया है? बार देख लेते हैं इसमें आ कौन कौन गया है। हमारे उर्वशी, रुचि, अतुल, तन्नू, मोहित, आदित्य। मोहित और अब कौन रह गया? बाकी के सारे आ गए। करोड़ी रह गए शायद, करोड़ी और धनंजय। धनंजय और करोड़ी रह गए, बाकी सबके सब आ गए। चलो कोई नहीं, अब अपन बात करते हैं अपने वाले उस पे टॉपिक पर आते हैं जो हमें पढ़ना था। और वो पढ़ना क्या था हमें? डायरेक्शनल कपलर, जो कि एक टॉपिक है तुम्हारे उसका सब्जेक्ट का जिसमें था डायरेक्शनल कपलर। कि डायरेक्शनल कपलर होते क्या है? सबसे पहले ये है, ए डायरेक्शनल कपलर इज ए डिवाइस दैट सैंपल्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर फॉर मेजरमेंट पर्पज। इसका मतलब क्या है? जो माइक्रोवेव के अंदर जो डायरेक्शनल कपलर है, इनका एक बेसिक काम क्या है कि जब भी हमें पावर क्या करनी होती है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? एक बार मुझे कमेंट करके और बता दो ना, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्ट्रीम सेटिंग में भी देख लेता हूँ मैं, जरूर रिजोल्यूशन है। चलो अच्छा चल रहा, कोई नहीं। एक बार मेरे वॉइस बता, वॉइस सब सही चल रही है? वॉइस 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 एंड यस, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं टॉपिक पर कि डायरेक्शनल कपलर क्या है। तो डायरेक्शनल कपलर इज ए डिवाइस दैट सैंपल ए स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर फॉर मेजरमेंट पर्पज। कई बार ऐसा होता है कि हमें माइक्रोवेव में मेजरमेंट में पावर को क्या करना होता है? मेजर करना होता है। पर माइक्रोवेव पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो क्या करते, हम उस पावर का एक थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ले लेते हैं और उसको मेजर कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये जैसे डायग्राम है तो इसमें पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 4, चार पोर्ट हैं। इन पोर्ट में से क्या करते हैं कि जो हमारी पावर है ये कपल्ड होती है। अभी मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि कैसे पावर कपल होती है, कितनी पावर कपलिंग होती है। तो जैसे पोर्ट 4-1 से पोर्ट 2 पे हमारी पावर जा रही है 100, ठीक है? और 100 को पर क्या होता है कि जब वो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 पे तो जाएगी 99, पर 1% वो जाती है पोर्ट 4 पे। तो हम क्या करते हैं, पोर्ट 4 वाली पावर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और जितने हमको पता है कि पोर्ट 4 पर जो जा रही है वो इसका 100 गुना कम जा रही है। अब 100 गुना कम जा रही है तो उसका 100 गुना करेंगे। तो इसलिए हम एक स्मॉल माइक्रोवेव पावर जनरेट उससे मीटर से हम लार्ज पावर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है? एक तो हमारा ये हो गया, और मैं डिटेल में अभी बता दूंगा जब अपन धीरे धीरे चलेंगे। जब डायरेक्शनल कपलर इज ए 4 पोर्ट वेवगाइड जंक्शन, तो जैसे कि अभी तुमने डायग्राम में देखा डायरेक्शन कपलर क्या है हमारा, 4 पोर्ट,
चार पोर्ट है, पोर्ट वन, पोर्ट टू, पोर्ट थ्री, पोर्ट फोर। जब मैंने उनके बारे में बताया था, ई प्लेन टी के बारे में, एच प्लेन टी के बारे में, वो क्या थी, थ्री पोर्ट डिवाइसेस थी, उसमें तीन पोर्ट थे, हमने पोर्ट वन, पोर्ट टू, पोर्ट थ्री, पोर्ट फोर लिए थे। बट यहाँ पे हमारी क्या है, ये फोर पोर्ट डिवाइसेज है। तो हमारे को एक तो याद ये रखनी है, जो डायरेक्शनल कपलर है ये क्या है, एक तो फोर पोर्ट डिवाइस है, दूसरा ये हमारे पावर को मेजरमेंट करने में भी काम आता है, तीसरा डायरेक्शनल कपलर इज ए फोर पोर्ट वेव गाइड देखते हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ प्राइमरी मैन गाइड एंड द सेकेंडरी ऑक्सिलरी वेव गाइड। जैसे देखो अब इस डायग्राम को गौर से देखो, इसमें दो वेव गाइड, एक पोर्ट वन से पोर्ट टू पे जा रही है, वो तो है प्राइमरी वेव गाइड, लिखा हुआ है देखो प्राइमरी वेव गाइड, और पोर्ट थ्री से पोर्ट फोर पे जा रही है सेकेंडरी वेव गाइड। ये डायरेक्शनल कपलर का डायग्राम है जिसमें तुम देख पा रहे हो पोर्ट वन से पोर्ट टू, पोर्ट टू से पोर्ट थ्री। अगर कभी वॉइस वगैरह नहीं आती है तो मुझे बीच में बताते जाना, मुझे मैसेज कर देना कि सर ये वॉइस नहीं आ रही है या जो भी सारी चीज़ है। हाँ तो ये बताओ मुझे कि वॉइस आई नहीं रही है कि किसी को नहीं आ रही है कि इसको वॉइस किसी को भी नहीं आ रही है या किरोड़ी को नहीं आ रही है, एक बार मेरे पास भी तो वॉइस किसी को भी नहीं आ रही है या किरोड़ी को नहीं आ रही है? नहीं यार वॉइस तो प्रॉपर चल रही है, तो इसमें तो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा जो प्राइमरी वेव गाइड है जिसमें पोर्ट वन से हम पोर्ट टू पे जाते हैं, तो ये पोर्ट वन और पोर्ट टू वाली तो हमारी प्राइमरी वेव गाइड है और पोर्ट थ्री और पोर्ट फोर वाली हमारी सेकेंडरी वेव गाइड है। तो इसी डायग्राम से आपको मोटे मोटे ये याद रखना है कि ये फोर पोर्ट डिवाइसेज है, पावर मेजरमेंट के लिए भी यूज आती है, दूसरी इसमें दो की बनी हुई है, एक प्राइमरी वेव गाइड की एक सेकेंडरी वेव गाइड की। अभी तक मैंने तीन पॉइंट बताए हैं, तो पहले वाले तीन पॉइंट डायरेक्शनल कपलर दैट सैंपल से स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर फॉर मेजरमेंट, एक तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को मेजरमेंट के लिए काम आती है, दूसरा ये फोर पोर्ट डिवाइसेज है, तीसरा डायरेक्शनल कपलर इज ए फोर पोर्ट वेव गाइड कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी वेव गाइड एंड ए सेकेंडरी ऑक्सिलरी वेव गाइड। एक प्राइमरी मैन होती है, दूसरी हमारी एक सेकेंडरी वेव गाइड होती है। द डायरेक्शनल कपलर आर पैसिव डिवाइसेज यूज इन फील्ड ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी। एक्टिव और पैसिव आपने सेकेंड ईयर में खूब अच्छे से पढ़ लिया है कि एक्टिव डिवाइस क्या है, पैसिव डिवाइस क्या है। तो डायरेक्शनल कपलर हमारा क्या है, एक पैसिव डिवाइस है जो कि यूज होता है हमारे किसमें, रेडियो टेक्नोलॉजी के अंदर। इसको बड़ा करना है क्या स्क्रीन को, मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ, या तो स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। अब आई थिंक देखो स्क्रीन बड़ी हो गई है, ठीक है। तो डायरेक्शनल कपलर आर पैसिव डिवाइसेज यूज्ड इन फील्ड ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी। दिस डिवाइस फिट ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए ट्रांसमिशन लाइन एंड अनदर पोर्ट यूजिंग टू ट्रांसमिशन लाइन प्लेस्ड क्लोज एंड अप सो दैट एनर्जी फ्लोइंग थ्रू वन लाइन इज कपल टू दैट। तो इसमें दीज डिवाइसेज फिट द, जो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए ट्रांसमिशन लाइन, अगर हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, जो कि बेसिकली हम करते हैं किसके, वेवगाइड के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन टू द अनदर यूजिंग द टू ट्रांसमिशन लाइन प्लेस्ड क्लोज एन अप सो दैट एनर्जी फ्लोइंग थ्रू वन ऑफ द लाइन आर कपल टू द। कई बार ऐसे होता है हमें कि जब हम एक प्राइमरी वेव गाइड से हम क्या करते हैं पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारे वेव गाइड सिग्नल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उससे कभी कभी हमें ऐसा होता है कि दूसरी वेव गाइड के अंदर अगर उसको कपल्ड करना होता हो, मतलब दूसरी वेव गाइड के अंदर हमें उसे भेजना होता है, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, इसका यूज लेते हैं। डायरेक्शनल कपलर्स आर डिफाइंड टू बी ए पैसिव माइक्रोवेव कंपोनेंट यूज फॉर पावर डिवीजन। और जबकि मैंने पहले बताया ये पावर डिवीजन के लिए कैसे आ जाएगा कि हम जब पी वन से पी टू तक पूरी पावर जानी चाहिए, पर कुछ पावर हम पी थ्री पोर्ट पर भी भेजते हैं, कुछ पी फोर पर, मतलब पोर्ट फोर पर भेजते हैं। तो इस तरह से हम पावर का क्या है डिवीजन कर रहे हैं। अगर सेम ऐसे ही जब हमने ई प्लेन टी, एच प्लेन टी और इनके बारे में जब अपन ने पढ़ा था, तो उस वाले केस में भी हमने क्या किया था, एक मिनट, जब हमने अगर ई प्लेन टी एच प्लेन टी पढ़ा था, तो देखो ई प्लेन टी और एच प्लेन टी में हम क्या कर रहे थे, बेसिकली ये हमारा पी वन पोर्ट था, और ये पी टू और पी थ्री था, ये हमारा हो गया पी टू और पी थ्री। जब मैंने बताया था ई प्लेन टी और एच प्लेन टी, जब मैंने दोनों बताई थी, तो मैंने बताया था कि इसके अंदर एच प्लेन टी के अंदर जहाँ से हम पी वन पावर पे दे रहे हैं, पी टू और पी थ्री पर सेम पावर क्या हो रही है हमारी, डिवाइड हो रही थी दोनों हाफ। यहाँ पर अगर हम पी पावर दे रहे थे तो हमको पी वाई टू मिल रही थी, और सेम ऐसे ही हमारी
ई प्लान टी के अंदर भी हमारी पी बाई टू मिल रही थी। एक तरह से हम पावर को डिवाइड कर रहे थे दो जगह, हम पावर को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे दो जगह पर। अब हमारी पावर क्या है यहाँ पे, बेसिकली डिवाइड हो रही है यहाँ से। तो हमने देखो एक जगह से पावर दी थी पी, और यहाँ पे हमारी दोनों जगह पावर डिवाइड हो गई, आधी इधर हो गई पी टू साइड में, आधी हो गई हमारी पी थ्री साइड में। सेम ऐसे ही हमारा जो ये वेव गाइड है, तो ये भी क्या करती है, हमारा पावर को डिवाइड करती है। ठीक है, इट इज़ ए माइक्रोवेव डिवाइस फॉर माइक्रोवेव कंपोनेंट यूज फॉर पावर डिवीजन। तो ये हमारे किसके काम आती है, पावर डिवीजन के काम आती है। कमरा आर डिफाइंड टू बी ए पैसिव माइक्रोवेव कंपोनेंट यूज फॉर पावर डिवीजन। मैंने बता दिया पावर डिवीजन के कैसे आएगा, जैसे कि अगर तुम इस डायग्राम में देखोगे तो ये हमारे पास चार पोर्ट हैं, तो जो पावर हमारी यहाँ पे जानी चाहिए थी, कहाँ पे, पोर्ट वन से जो हमारी पावर हमने भेजी है, माना कि हमने यहाँ पे पी पावर भेजी, तो पी पावर है ये पूरी की पूरी पावर जो पी है, तो ये पोर्ट टू पर नहीं जाएगी, इस पर पी टू पर पूरी की पूरी पोर्ट पावर नहीं जाएगी, लगभग 90% 98% ऐसे माना कि हमने पावर किस पर चली गई हमारी, 90% माना कि हमारे पी टू पर चली गई। इसका मतलब 10% पावर हमारी कहाँ कपल्ड होकर चली गई, पोर्ट फोर पर चली गई। ठीक है, तो 90% तो हमारी चली गई किस पे, पी इस पर पोर्ट टू पर, और उसकी जो 10% है वो हमारी कहाँ चलेगी, पोर्ट फोर पे। तो इस तरह से एक तो हमने पावर का डिवीजन कर दिया, मतलब जो पावर हमारी सीधी जानी चाहिए थी वो पावर डिवाइड होके हमारे नेक्स्ट पोर्ट पर चली गई, नेक्स्ट पोर्ट पर चली गई। तो इसलिए हम इसको भी बोलते हैं ये हमारा क्या किसका काम करता है, पावर डिवीजन का काम भी करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी वेवगाइड वन एंड टू एंड ए सेकेंडरी वेवगाइड थ्री एंड फोर। मैंने बताया था कि पोर्ट वन और पोर्ट टू हमारी प्राइमरी वेवगाइड है, और पोर्ट थ्री और पोर्ट फोर हमारी क्या है, सेकेंडरी वेवगाइड है। बात क्लियर होती जा रही है तो कमेंट करते जाना। उसके बाद आ गया हमारा, व्हेन ऑल पोर्ट आर टर्मिनेटेड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस देयर इज ए फ्री ट्रांसमिशन ऑफ द वेव विदाउट रिफ्लेक्शन। अगर हम क्या करते हैं, एक होता है हमारा जो वेव गाइड में हम करते हैं टर्मिनेट, टर्मिनेशन क्या करते हैं कि हम एक तरह से उस पोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंने पी वन से पावर को भेजा और पी टू पर को हमने टर्मिनेट कर दिया, पी टू पर टर्मिनेट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि पी टू पोर्ट, मतलब पी टू मतलब हो गया पोर्ट टू, तो पोर्ट टू को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब वो वापस क्या होगा, पावर रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ जाएगी, या तो पोर्ट वन पर आएगी या पोर्ट थ्री और पोर्ट फोर पर जाती है। इसलिए हम एक टर्मिनेशन यूज लेते हैं, और जो मैच टर्मिनेशन में होता है कि 100% मतलब कि वहाँ से पावर वापस नहीं आएगी। तो द डिग्री ऑफ कपलिंग बिटवीन पोर्ट वन एंड पोर्ट टू आर बिटवीन, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वेवगाइड वन एंड टू एंड ए सेकेंडरी वेवगाइड थ्री एंड फोर। व्हेन ऑल द पोर्ट आर टर्मिनेटेड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, मतलब कि सारे के सारे पोर्ट को अगर हम टर्मिनेट कर देते हैं देयर कैरेक्टर, देयर इज ए फ्री ट्रांसमिशन ऑफ द वेव विदाउट रिफ्लेक्शन, मतलब कि उसमें क्या होगा, वेव का ट्रांसमिशन होगा वो बिल्कुल बिना कोई रिफ्लेक्शन के होगा। बिटवीन पोर्ट वन एंड पोर्ट टू एंड देयर इज ए नो ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन पोर्ट वन एंड पोर्ट थ्री एंड बिटवीन टू एंड फोर बिकॉज ऑफ कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू पोर्ट्स। और जो इसकी जब सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब अगर हम पोर्ट पी वन से अगर पोर्ट में पावर देते हैं तो हमारे पोर्ट थ्री पे बिल्कुल भी पावर नहीं जाती है। ठीक है, तो अगर जो इसकी पावर है वो हमारी, अगर पोर्ट वन से हम अगर हम पावर को करते हैं तो पोर्ट टू पे जाएगी, पोर्ट फोर पे जाएगी, पर पोर्ट थ्री पे बिल्कुल भी पावर नहीं जाएगी। ठीक है, और अगर सिमिलरली हम ऐसा कर सकते हैं पोर्ट टू से पावर दे दें, तो ये एक तरह से अब पोर्ट टू तो हो जाएगा पोर्ट वन, पोर्ट वन हो जाएगा पोर्ट टू, और पोर्ट थ्री हो जाएगा पोर्ट फोर, और पोर्ट फोर हो जाएगा पोर्ट थ्री, तो सेम वेव में फिर क्या होगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं पोर्ट टू और पोर्ट फोर में भी पावर ट्रांसमिट नहीं होती, अगर वेव गाइड क्या है कि हमारी रेसिप्रोकल होती है। जैसे कि पावर अगर हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेम वे अगर मैं पोर्ट वन से हमें पावर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो पोर्ट टू पे जानी चाहिए, पोर्ट थ्री पे जानी चाहिए, ये रेसिप्रोकल होती है। कैसी होती है, रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि सेम वे से ये ऐसे भी काम करेगी। अगर मैं पोर्ट टू को पावर दे देता हूँ तो अब एक तरह से पावर क्या जाएगी, पोर्ट वन पे भी जाएगी और पोर्ट थ्री पे जाएगी, पर पोर्ट फोर पे नहीं जाएगी। तो ये याद रखना है, जब भी हमारी टू इनको हम बोलते हैं, जो हमारी डायरेक्शनल कपलर है उसमें पोर्ट वन और पोर्ट थ्री वो क्या होते हैं कि इसमें कोई भी पावर हमारी नहीं जाती, और सेम ऐसे ही पोर्ट टू और पोर्ट फोर पर भी हमारी पावर
ट्रांसमिट नहीं होती। जैसे कि मैंने तुम्हें हाइब्रिड टी पढ़ाया था, उसमें भी मैंने बताया था जब भी पावर हम देते थे पोर्ट 3 और पोर्ट 4 में आपस में कोई पावर नहीं जा रही थी, ऐसी पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में पावर नहीं जा रही थी, सेम ऐसे ही इसके अंदर है। पोर्ट 1 और जब पोर्ट 2 1 पर पावर देंगे तो पोर्ट 3 पर नहीं जाएगी, और पोर्ट 2 पर पावर देंगे तो पोर्ट 4 पर नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट पॉइंट था बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 देर इज ए नो ट्रांसमिशन पावर बिटवीन पोर्ट एंड पोर्ट 3 एंड बिटवीन 2 एंड 4 बिकॉज ऑफ नो कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन, ये तीनों पॉइंट हो गए। चौथा कहता है द डिग्री ऑफ कपलिंग बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 4 एंड पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3 डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कपलर, और जो कितनी कपलिंग होगी, कपलिंग का मतलब है कि कितनी पावर हमारी पोर्ट 1 से पोर्ट 4 पर जाएगी, ये डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर। एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, पोर्ट 1 से पावर पोर्ट 4 पे कितनी जाएगी ये डिपेंड करता है हमारी कि इसकी कपलिंग क्या है। अभी इसमें एक पढ़ोगे तुम डायरेक्टिविटी क्या है, कपलिंग क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ोगे, तो जितनी कपलिंग होगी उतनी ही पोर्ट 1 से पोर्ट 4 पर पावर जाएगी। ये कपलिंग होती है डीबी में, जैसे 10 डीबी, ठीक है, 20 डीबी। माना कि अगर 20 डीबी इसमें हमारी कपलिंग हो रखी है, कितनी है, 20 डीबी कपलिंग हो रखी है, तो 20 डीबी का है तो अगर हम उसको लिखते हैं लॉग में, ये कितने होती है, लॉग बेस 10 में डीबी की फुल फॉर्म होती है डेसिबल, डीबी की फुल फॉर्म होती है डीबी की, इसकी जो पावर होती है, पावर को जब हम डेसिबल में मेजर करते हैं तो उसकी होती है डीबी डेसिबल, तो वो होती है बेस लॉग बेस 10 इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 इक्वल टू होगी हमारी जैसे 20 डीबी, और जब इसको हम अगर हम एंटी लॉग में बदलते हैं तो ये हो जाती है लगभग डीबी, ये हो जाती है हमारी 10 की पावर 2, मतलब 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। करते क्या हैं, जैसे ये हो गया मेरा -20 डीबी, ये होता है लॉग बेस 10, जब इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो हम दो बार जाएगा, यहाँ पर 10 और होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे जब इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब ये एंटी लॉग में ले जाएंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पी पे पावर दे रहे हैं, अगर पी पे हम पी पावर दे रहे हैं तो पी का 100 पार्ट, मतलब पी अपॉन 100 पार्ट ही जाएगा पोर्ट 4 पर। ठीक है, फालतू के कमेंट अगर कर रहे हो तो वो मत करना भाई, जो भी मैं मेरे साइड में चल रहा है मेरे कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं मोबाइल पे, ठीक है, मुझे ये सारे कमेंट साइड में दिख रहे हैं मोबाइल पे, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। तो कपिल, अगर देखना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो बिल्कुल जा सकता है, पर डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया, इसका मतलब है अगर हमने बोल दिया 20 डीबी कपलिंग हो रही है पोर्ट 1 से पोर्ट 4 के बीच में, इसका मतलब क्या है कि अगर उसको हम एंटी लॉग में बदलते हैं तो हो जाता है 10 की पावर 2 और हो जाता है 100। अगर यहीं पर बोल देते 30 डीबी तो 30 डीबी पर हो जाता 10 के पावर 3, मतलब 1000 गुना कितना हो जाएगा, 1000 गुना। इसका मतलब जब यहाँ से हम पी पावर ट्रांसफ़र करेंगे पोर्ट 1 से, तो पोर्ट 4 पर जब पावर जाएगी वो जाएगी पी अपॉन 1000, पावर जाएगी अपनी पी अपॉन 1000। ठीक है, अगर हम बोल देते हैं 40 डीबी तो 10 की पावर 4 जाएगी, हम बोलते हैं 10 डीबी तो पी अपॉन 10 जाएगी, मतलब जितनी हम यहाँ पावर पोर्ट 1 पे दे रहे हैं
और जितनी हम कपलिंग बताते हैं वो डीबी में बताते हैं, 10 dB, 20 dB, 30 dB, उतनी ही हमारी पावर हो जाती है, 10^1, 10^2, 10^3, तो 10, 100, 1000 उतना गिना। तो अगर माना कि हमने इसमें 30 dB कपलिंग कर दी तो, और यहाँ पे हमने दे दिया 1000 पावर की बनावट दे दी, तो ओनली यहाँ पे पोर्ट 4 पे पी जाएगी, मतलब सिर्फ 1000 का पी अपॉन 1000 करोगे तो 1000 का ओनली पी जाएगी, मतलब यहाँ 1000 देंगे तब जाके एक जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे मीटर्स लगा देते हैं जो एक को नाप लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई पोर्ट 1 पर कितनी पावर है। तो इसलिए ये हमारा पावर मेजरमेंट के लिए भी काम आता है, पावर डिवीजन के लिए भी काम आती है। इसमें 4 पोर्ट होते हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शनल कपलर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कपलिंग फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक कपलिंग फैक्टर पर डिपेंड करती है, एंड इट्स डायरेक्टिविटी, अभी मैं बताऊंगा डायरेक्टिविटी भी क्या होती है, डायरेक्टिविटी पर, कपलिंग फैक्टर पर, ये दो तीन है और इनकी सीधी डेफिनेशन आती है कि डायरेक्टिविटी क्या होती है, कपलिंग फैक्टर क्या होता है। अज्यूमिंग दैट वेव इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम पोर्ट टू इन द प्राइमरी लाइन, द कपलिंग फैक्टर एंड डायरेक्टिविटीज आर डिफाइंड। द पावर मेजरमेंट इंक्लूड्स इंसिडेंट, जो पावर मेजरमेंट है इसमें बेसिकली इंसिडेंट पावर, रिफ्लेक्टेड पावर और VSWR के टर्म्स में आती है। अभी मैं बता दूंगा कौन सी इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड है। तो ये डायग्राम देख ही लिया है, बेसिकली मैंने इसको समझा दिया है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शनल कपलर, सब सही चल रहा है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शनल कपलर, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल डायरेक्शनल कपलर आर फॉलोज, ऑल द टर्मिनेटर आर मैच टू द पोर्ट, जितने भी हमारे टर्मिनेटर हैं वो मैच्ड है पोर्ट को। जैसे वैन पावर ट्रेवल फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2, सम पोर्सन ऑफ इट गेट कपल पोर्ट 4 बट नॉट पोर्ट 3। बता चुका हूँ, जब पावर हमारी P1 से जा रही है तो P2 पे चली जाएगी, थोड़ी बहुत हमारे P4 पे, मतलब पोर्ट 4 पे चली जाएगी, पर P3 पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर हम P2 पे पावर देते हैं तो हमारी जो पावर है P1 पे चली जाएगी, P3 पे चली जाएगी, पर P4 पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उसके बाद आ गया, जैसे कि हम बात करते हैं, क्या स्लो हो गया है, क्या चल रहा है ना, और इट आल्सो ए बाई डायरेक्शनल कपलर व्हेन द पावर ट्रेवल पोर्ट 2 पोर्ट 1 द सेम गेट कपल पोर्ट 3 एंड नो, और इसको हम बाई डायरेक्शनल कपलर भी बोलते हैं। ऑल द टर्मिनेटर मैच टू द पोर्ट, पोर्ट 1 ये हो गया, इट आल्सो ए बाई डायरेक्शनल कपलर एंड द पावर ट्रेवल फ्रॉम पोर्ट 2 पोर्ट 1, सम पोर्शन इज गेट कपल टू द पोर्ट 3 बट नॉट पोर्ट 4, ऑलरेडी सारी चीज़ बता चुका हूँ। द पावर इज इंसिडेंट थ्रू पोर्ट 3, द पोर्शन ऑफ इट कपल विद पोर्ट 2 बट नॉट पोर्ट 1, और ऐसा भी हो सकता है कि हम पावर P3 से दे दें, अगर हम P3 से पावर देंगे तो P4 पे भी जाएगी, P2 पे जाएगी, बट P1 पे नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर हमने P4 पे पावर दी तो हमारी उसके सामने वाले P3 पे चली जाएगी, P1 पे चली जाएगी, बट P2 पे नहीं जाएगी। तो इसमें हम किसी भी पोर्ट से अगर पावर देते हैं तो यही कंडीशन रहेगी, खुद के सामने वाले में, उसके नीचे वाले में चली जाएगी, बट उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाले में पावर नहीं जाएगी। आइडियली द आउटपुट ऑफ पोर्ट 3 शुड बी 0, हवेवर प्रैक्टिकली द स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर कॉल्ड बैक पावर इज ऑब्जर्व इन पोर्ट 3, द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये रहा, सबसे पहले अगर PI पे हम बोलते हैं इंसिडेंट पावर, PR हमारी होगी रिसीव्ड पावर, PF होगी फॉरवर्ड पावर और PB होगी हमारी बैकवर्ड पावर। तो पोर्ट 1 पे तो हमारी होगी क्या, इंसिडेंट पावर, और PR हमारी रिसीव्ड पावर होगी, PF फॉरवर्ड पावर होगी और PB बैक पावर होगी। जब भी हम ये तो जब है जब हम P1 से इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है हम P2 से जब इंसिडेंट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हमने यहाँ से इंसिडेंट कर दी तो ये वाली इंसिडेंट हो गई, इसके जस्ट सामने वाली कौन सी होगी, रिसीव्ड पावर हो गई, और इसके जस्ट नीचे हो गई फॉरवर्ड पावर। जो देखो, इंसिडेंट के सामने वाली रिसीव्ड है और रिसीव्ड के जस्ट नीचे फॉरवर्ड पावर है। अगर मैं इधर से देता हूँ पोर्ट 2 से पावर तो मेरी पोर्ट 1 तो हो जाएगी रिसीव्ड पावर और इसके जस्ट नीचे वाली हो जाएगी मेरी फॉरवर्ड पावर, और जहाँ से मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके जस्ट नीचे वाली हो जाएगी बैक पावर। आइडियली तो हमारी बैक पावर 0 होती है, बट प्रैक्टिकली साइंस में हमारे पास थोड़ी बहुत पावर होती है, उसको हम बोलते हैं बैक पावर, ठीक है। तो PI इंसिडेंट पावर एट पोर्ट 1, PR रिसीव्ड पावर एट पोर्ट 2,
पी एफ फॉरवर्ड कपल पावर एट पोर्ट 4 और पी वी बैक पावर एट पोर्ट 3। फॉलोइंग आर द पैरामीटर यूज टू डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑफ ए डायरेक्शनल कपलर। तो ये चार मेथड वो हैं पैरामीटर्स जो हमारे डायरेक्शनल कपलर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कपलिंग फैक्टर। इसमें तीन फैक्टर हैं जो हमारे मोस्टली बेसिकली पूछे जाते हैं और तीन डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है अगर डायरेक्शनल कपलर पूछा जाता है, एक कपलिंग फैक्टर, एक डायरेक्टिविटी, एक आइसोलेशन। तो देखो कपलिंग फैक्टर होता क्या है, हमारा कपलिंग फैक्टर होता है, कपलिंग फैक्टर इज ऑफ ए डायरेक्शनल कपलर इज रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू द फॉरवर्ड पावर। मतलब जो हमने इंसिडेंट पावर करी है, इंसिडेंट पावर क्या होगी मेरी पी आई अपॉन फॉरवर्ड पावर पी एफ, ये तो होती है हमारी कपलिंग कैपेसिटी, कपलिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो सी इज इक्वल टू ये होती है हमारी लॉग में टेन लॉग और उसका बेस भी क्या होता है, थोड़ा सा सही से नहीं हो रहा, लॉग बेस टेन। ठीक है, तो टेन लॉग बेस टेन, तो ये होती है पी इनपुट अपॉन पी एफ। अब इस डायग्राम में देखोगे, देखो पी इनपुट कौन सा ये और फॉरवर्ड पावर क्या है पी एफ। तो इसका मतलब जब भी हमें कपलिंग फैक्टर पता करना है, कपलिंग फैक्टर मतलब सी की वैल्यू पता करनी है, तो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी सी इज इक्वल टू पोर्ट 4 अपॉन पोर्ट 1। क्या हो गया पी 4 मतलब पोर्ट 4 अपॉन जो पोर्ट 1 पर, मतलब जो इंसिडेंट पावर हमने पोर्ट 4 पर जो हमें पावर मिल रही है अपॉन पोर्ट 1 पर जो हमने इंसिडेंट पावर करी थी, उसको बोलते हैं हम सी, मतलब कपलिंग। क्लियर आ रही है मेरी बात समझ में। जब भी हमें इंसिडेंट वो फॉरवर्ड पावर अपॉन इंसिडेंट पावर कर देंगे तो हमें मिल जाती है सी की वैल्यू, जो कि होती है कपलिंग फैक्टर और वो भी होती है हमारी किस में लॉग के अंदर टेन लॉग बेस टेन। इसके बाद आ जाते हैं हम, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा माउस में, ये तो होगी हमारी कपलिंग। कपलिंग किसकी होगी, द कपलिंग फैक्टर ऑफ ए डायरेक्शनल कपलर इज रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू द फॉरवर्ड पावर मेजर्ड इन डीबी। तो सी इज इक्वल टू टेन लॉग बेस टेन पी इनपुट अपॉन पी एफ, मतलब पी इनपुट पावर अपॉन पी एफ, ये होती है हमारी किस में डीबी में। तो डीबी के लिए हमारा लगाते हैं टेन लॉग बेस टेन पी। उसके बाद आ जाती है हमारी डायरेक्टिविटी, द डायरेक्टिविटी ऑफ ए डायरेक्शनल कपलर। तो डायरेक्टिविटी क्या है हमारी डायरेक्शनल कपलर की, इज ए रेशियो ऑफ फॉरवर्ड पावर टू द बैक पावर मेजर्ड इन डीबी। तो डायरेक्टिविटी होती है हमारी जो फॉरवर्ड पावर टू द बैक पावर, फॉरवर्ड पावर टू द बैक पावर तो हम देखते हैं अगर इसमें, तो फॉरवर्ड पावर हमारी कौन सी है पोर्ट 4 और बैक पावर कौन सी हमारी पी 3। इसका मतलब इसमें हमारी हो गई पोर्ट 4 अपॉन पोर्ट 3, पोर्ट 4 अपॉन पोर्ट 3 होती है हमारी डायरेक्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं हम किससे डी से। तो डायरेक्टिविटी होगी हमारी पी 4 अपॉन पी 3 और जब कपलिंग की बात करते हैं तो वो होगी हमारी पी 4 अपॉन पी 1। यहाँ पे देखो पी एफ मतलब फॉरवर्ड पावर अपॉन बैक पावर, पी एफ अपॉन पी वी, पी एफ क्या है मेरी फॉरवर्ड पावर और पी वी क्या है मेरी बैक पावर, ये मेजर्ड होती है हमारी डी वी में, इसलिए हमने ये लॉग लगा रखा है। इसके बाद होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन डिफाइन एज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायरेक्शनल कपलर इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू द बैक पावर, ये होती है इंसिडेंट पावर अपॉन बैक पावर, पी इंसिडेंट अपॉन पी वी, पी इंसिडेंट अपॉन पी वी। इसको हम दूसरे टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं पी इंसिडेंट अपॉन पी बी, ये होती है हमारी आइसोलेशन, जिसको बोलते हैं हम आई। देखो ये हो गया मेरी पी इंसिडेंट, पी इंसिडेंट मेरा कौन सा था पोर्ट 1 अपॉन पी बैक, मतलब हो गया मेरा पोर्ट 3, पी 1 अपॉन पी 3। बट अगर हम इसमें क्या करें कि पी
4 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, पी फोर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और फिर क्या लिखें, पी वन के नीचे तो लिख दें हम पी फोर को, और इस तरह से कर देते हैं हम पी वन अपॉन पी फोर प्लस इन मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा मेरा पी फोर अपॉन पी थ्री। बस उसको क्रॉस में लिख दिया है और कुछ नहीं किया है, पी फोर अपॉन पी थ्री, ठीक है। बस इनको उल्टा कर दिया है, मल्टीप्लाई में थे तो पी फोर को इधर लिख दिया, पी टू पी थ्री को इधर लिख दिया। तो ये तो होती है हमारी पी वन अपॉन पी फोर, ये तो होती है हमारी कपलिंग, और ये पी फोर अपॉन पी थ्री होती है हमारी डायरेक्टिविटी। बट अभी यहाँ तो ये नॉर्मल वे में तो ये मल्टीप्लाई है, बट लॉग के अंदर दो चीज़ जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो एडिशन में चली जाती हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते जो आइसोलेशन है वो आई इज इक्वल टू सी प्लस डी है। आइसोलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आइसोलेशन इन डी बी, मतलब लॉग के अंदर जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना वो किस में लिख सकते हैं हम, प्लस में लिख देते हैं। तो ये हो गया आइसोलेशन इन डी बी इज इक्वल टू कपलिंग फैक्टर मतलब सी प्लस डायरेक्टिविटी, सी प्लस डी हम उसको लिख देते हैं। तो आई इज इक्वल टू पी इनपुट अपॉन पी बैक पावर डी बी इज इक्वल टू जिसको हम पी वन अपॉन पी बी, इसमें मैंने पी फोर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो हमारी आ गई पी वन अपॉन फोर पी फोर अपॉन पी थ्री। तो ये आ गया हमारी आइसोलेशन। देखो एक बार हम दोबारा से शुरू में चल लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत मैं दोबारा से बता देता हूँ। अभी कितने लोग आए हुए हैं, अभी मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को कुछ कुछ पल्ले पड़ा है, नहीं पड़ा, कितना हुआ है, कितना समझ में आया है, एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि कितना है, कितना चल रहा है। हाँ तुझे तो ज़रूर आ गया होगा, अच्छा देखो बेसिकली इसमें दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार और सुन लो कोई लेट आया है। डायरेक्शनल कपलर हमारी चार पोर्ट की डिवाइस है जो हमने इसमें देख लिया, ये रहे चार पोर्ट पी वन पी टू पी थ्री पी फोर, चार पोर्ट की डिवाइस है, और क्या काम आती है, पावर को डिवीज पावर को डिवाइड करने के भी लिए काम आती है, और पावर को मेजरमेंट में भी ये काम आती है। तीन चीज़ याद रख ली, पहली बात चार पोर्ट की डिवाइस है, पोर्ट वन पोर्ट टू पोर्ट थ्री पोर्ट फोर। दूसरी क्या है, पावर डिवीजन के लिए भी काम आती है, पावर मेजरमेंट, तो दूसरा पॉइंट हो गया पावर मेजरमेंट के लिए भी काम आती है, और चौथा हो गया हमारा पावर डिवाइडर के लिए भी काम आती है। तो तीन पोर्ट तो यहाँ से हो गया पॉइंट हो गए। चौथा क्या हो गया कि जब भी पावर हमारी पी वन से पी टू पर जा सकती है, पी फोर पर जा सकती है, पर पी थ्री पर नहीं जाएगी, पोर्ट थ्री पर पावर नहीं जाएगी। तो हमारे इसमें ये है कि जो पी वन पर जाएगी तो पी टू और पी फोर पर जा सकती है, पर पी थ्री पर नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर पी टू से हम इनपुट देते हैं तो पी वन और पी थ्री पर चले जाएगी, पी फोर पर नहीं जाएगी। तो एक चीज़ ये याद रखना है, और पी वन और पी टू वाली को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव गाइड, और पी थ्री और पी फोर वाली को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव गाइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दी। दूसरा इसमें देखो मेन वेव गाइड भी बोल देते हैं, प्राइमरी भी बोल देते हैं, और ऑक्सिलरी वेव गाइड, और उसको सेकेंडरी वेव गाइड बोल देते हैं। पॉइंट पी वन पर हम इंसिडेंट पावर दे रहे हैं तो पी टू पर हमारी रिसीव्ड पावर होगी, और पी थ्री पर हमारी बैक पावर होगी, और पी फोर पर हमारी फॉरवर्ड पावर होगी, जिसमें अगर हमने लिख दिया इंसिडेंट पावर एट पोर्ट वन, इंसिडेंट रिसीव्ड पावर एट पोर्ट टू, फॉरवर्ड कपल्ड पावर एट पोर्ट फोर, और बैक पावर एट पोर्ट थ्री। इसके बाद मैंने बताई थी कपलिंग, कपलिंग क्या होती है, डायरेक्शनल कपलर डी बी में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, और ये होती है रेशियो ऑफ इंसिडेंट पावर टू द फॉरवर्ड पावर, ऐसी रेशियो जो इंसिडेंट पावर टू द फॉरवर्ड पावर होती है डी बी में। दूसरी हमारी क्या होती है, डायरेक्टिविटी, तो डायरेक्टिविटी क्या है हमारी, डायरेक्शनल कपलर इज ए रेशियो फॉरवर्ड पावर टू द बैक पावर, तो पी एफ अपॉन पी बी फॉरवर्ड पावर टू द बैक पावर होती है हमारी डायरेक्टिविटी। और तीसरी होती है हमारा आइसोलेशन, तो आइसोलेशन होता है हमारा पी इनपुट अपॉन पी बी, मतलब इनपुट अपॉन बैकवर्ड पावर, जिसको अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आइसोलेशन इक्वल टू होता है कपलिंग फैक्टर प्लस डायरेक्टिविटी दोनों का
सम डीबी में अगर वैल्यू दे रखी है 20 डीबी 30 डीबी, तो हम डायरेक्टली आइसोलेशन कैलकुलेट करने के लिए कपलिंग फैक्टर और डिवीजन को, दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने तरीका बता दिया कि पहले अगर हमने ऐसे किया, पी इनपुट अपॉन पी बैकवार्ड थी तो पी इनपुट अपॉन पी थ्री थी, मतलब पी वन अपॉन पी थ्री थी, और पी फोर को हमने फॉरवर्ड पावर को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, उनको थोड़ा सा क्रॉस में लिख लिया, तो पी वन अपॉन पी फोर इंटू पी फोर अपॉन पी थ्री, जो हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होती है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है डीबी में, जब हम लॉग में करते हैं तो लॉग में ये दोनों के दोनों प्लस में आ जाएंगे, तो प्लस में आ जाएंगे, सी प्लस डी हो जाएगा। तो आइसोलेशन इन डीबी इज इक्वल टू कपलिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब हम, ये तो हमारा हो गया, अगर हम जाते हैं कितना हो गया, ठीक है 35-40 मिनट हो गई हैं इसमें, तो अगर अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो वो बता दो मुझे। तुम्हारे सबकी चैट चल रही है मेरे पास, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करता हूँ, ठीक है।